नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपालनगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने से पापी को भी शिव धाम में जगह मिल जाती है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भगवान शिव की साधना और सेवा के मार्ग व भक्ति की शक्ति से शारीरिक व्याधियों से मुक्त होने के उपाय बताए। इस अवसर पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे, सुरेंद्र, वीपी सिंह शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत गिरी। इसलिए उनके प्रागट्य की कथा वर्णन की गई, इसके उनके प्रागट्य की कथा वर्णन की गई, उनके आविर्भाव कथा वर्णन की गई, उनके विवाह की कथा वर्णन की गई, पार्वती के साथ कैसे उनका विवाह होता और गृहस्थ धर्म कैसे पालन कर रहे हैं, भगवान शंकर भी गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, ये सब बताए। ये हमारे प्रश्न है, शौनक ऋषि ने स्तुति से प्रश्न किया कि आप हमको ये सब बताइए और भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े, ऐसा भी रास्ता होता। इसलिए भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने नारद जी ने भी इसी प्रकार से एक बात शिव रूपी साक्षात विष्णु से, और जो विष्णु है ना वो भी साक्षात शिव के रूप है,